नमस्कार साथियों, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। अभी हम प्रयागराज जनपद में ही हैं और लोकसभा चुनाव, जी हां, प्रचार पे विराम लग गया है। कल यहां पे वोटिंग होने वाली है 25 तारीख को। शुभम जी, क्या माहौल है इलाहाबाद सीट पे, क्योंकि यहां पे बहुत दिग्गज प्रत्याशी दोनों हैं, एक राज्यपाल के पुत्र नीरज त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से हैं और उज्ज्वल रमण सिंह कद्दावर नेता रेवती रमण के पुत्र हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है और जैसा कि मोदी जी ने कहा भी है कि इस बार 400 पार वो उनका जो सपना है वो साकार होता दिख रहा है और लाखों पब्लिक जो है भैया के साथ, नीरज त्रिपाठी जी के साथ लगी हुई है और हम लोग भी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं। और इस बार जो मोदी जी ने कहा हुआ है कि अब की बार 400 पार, तो वो तय है कि इस बार 400 पार होगी। शुभम जी, हमको एक बात बताइए, नीरज त्रिपाठी जी चूँकि विधि के जानकार हैं, इनके पिताजी सक्रिय राजनीति में रहे, राज्यपाल तक रहे, नीरज त्रिपाठी पे विश्वास करके पहली बार इनको टिकट लड़ा दिया गया है, पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि शहर में ही ये रहते हैं और इलाहाबाद सीट पे शहर सब पश्चिमी को छोड़ देते, बाकी और यमुना पार में है, तो यमुना पार की जनता का क्या माहौल, आप लोग प्रचार में लगे हैं? यमुना पार का जनता का जो है बहुत प्यार मिल रहा है भैया को और जैसा कि हम देख रहे हैं उनके जो है प्रचार प्रसार में भी बहुत लोग लगे हुए हैं और हम लोग भी सुबह से शाम तक जाते हैं और रात को आते हैं तो पब्लिक घर तक जो है उनको भैया को छोड़ने भी आती है कि इस बार स्वर्गीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी के सुपुत्र जो है और इनको इलेक्शन में इस बार जिताया जाए। और ये जबकि बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व के जो है ये भैया हमारे हैं और इन्होंने जो है वादा किया है कि इस बार जो है विकास का जो है नैनी औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए जो है इन्होंने बात किया हुआ है और कई सारे इनके ऐसे मुद्दे हैं जो वहाँ के आम जनता के लिए बहुत ही बढ़िया हैं और पब्लिक उनका सपोर्ट भी कर रही है। एक बात हमको बताइए, हम ये कहने में हमें गुरेज नहीं है कि ये शहर के लोग हैं, ग्रामीण जनता क्षेत्रीय नेता को पसंद करती है, क्योंकि बराव करछना क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं रेवती रमण सिंह जी, तो कहीं ऐसी स्थिति में नीरज त्रिपाठी को लोकल और ग्रामीण क्षेत्र का मिलेगा कि नहीं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसके पहले भी जो है विधायकी का इलेक्शन हुआ था पिछली बार, तो पीयूष रंजन जी ने इनको जो है हराया है इसके पहले भी, तो बहुत बढ़िया छवि नहीं है इनकी। इसके पहले सपा में थे ये, सपा से अब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया हुआ है तो पब्लिक भी जानती है कि कौन क्या किसका क्या मुद्दा है और कौन क्या कितना विकास करेगा। ये 15-20 सालों से राजनीति में हैं लेकिन आप जाके देखिए करछना का क्या विकास हुआ है और जगह का जाके देखिए आप क्या विकास हुआ है।